एक ओर जहां राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर डीलरों की मनमानी की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 10 टिकुली पर मोहल्ले का है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 दिनों से अनाज लेने के लिए डीलर कभी पॉश मशीन का नेटवर्क खराब होने तो कभी भीड़ अधिक होने का बहाना बनाकर अनाज देने में आनाकानी कर रहे हैं। आज जब फिर लोग अनाज लेने पीडीएस दुकान पहुंचे, तो दुकानदार पूर्व से ही ताला लगाकर फरार था। इस बाबत जब लोगों ने डीलर से संपर्क साधा तो उन्होंने अनाज खत्म होने की बात कही। वहीं लोगों का आरोप है कि डीलर द्वारा बेवजह हम लोगों को परेशान किया जाता है। यदि अनाज का आवंटन ही नहीं हुआ था तो हम लोगों को 3 दिन पूर्व ही क्यों नहीं बता दिया गया था। वहीं डीलर सुधा शर्मा के पति सुनील शर्मा ने बताया कि महज 40 क्विंटल ही अनाज दिया गया था, जिसका उन्होंने वितरण कर दिया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि यदि उनके पास लाभुकों की संख्या अधिक थी तो उन्हें महज 40 क्विंटल ही अनाज किस आधार पर दिया गया, या फिर वे गरीबों की हक मारी कर खुद को ईमानदार बता रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि चावल और गेहूं मिल रहा है, वो कल आया तो बोला कुल के केवल मशीने पॉश मशीन खराब है, 11:30 बजे से आधा घंटा फिर बांटने लगा तो उसका पॉश मशीन ठीक हो गया। अब फिर बोलता है कि कल आइएगा, जब कल ही सब आया है तो कहता आज अनाजे खत्म है, तो कल ही पूछ के गया था कि कल मिलेगा ना, तो बोला हाँ मिलेगा, आज कल ही बोल देता कि नहीं मिलेगा। नंबर में आकर के लगे थे तो 8 बजे, तो 8 बजे के बाद बोला कि लिंक फेल है, फिर हम लोग अपना लेबर मजदूर में काम करने के लिए चल बसे। उसके बाद जब दोपहर में आए तो बोला कि कल मॉर्निंग में आइएगा, जब वहाँ पे राशन बांट भी रहे थे और अभी कहते हैं कि राशन खत्म हो गया समथिंग, कल 300 बोरा राशन यहाँ पे थी, अभी कहता है कि राशन खत्म हो गया। अभी फोन करते हैं तो कहता है कि आप शरम कल्याण में जाके पता करिए। अच्छा, उसके बाद कितना दिन से आप लोग टहल रहे हैं यहाँ पर? हम समथिंग 4 दिन से हम लोग टहल रहे हैं। कितना लोगों को अभी तक ने आप लोग लौट रहे हैं? अभी अभी हम लोग समथिंग 50 आदमी से ज्यादा लौट चुके हैं।